देश में जितने भी मुद्दे उठते हैं या घटनाएं होती हैं, हमें उनके बारे में न्यूज मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है और उनमें ही कुछ गिने चुने मुद्दों पर डिबेट भी होती है। इनमें एंकर की भूमिका अधिक होती है। आज हम कुछ एंकर्स की 5 पिछले हफ्ते की डिबेट्स देखेंगे और जानेंगे उनके लिए कौन से मुद्दे जरूरी थे। पहले बात करेंगे एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, दुष्ट प्रचार से परेशान किसानों ने निकाला अपना अखबार। दूसरा, समय के साथ किसानों के आंदोलन ने ली ठोस शक्ल। तीसरा, सर्द मौसम भी आंदोलन कर रहे किसानों का जोश ठंडा नहीं कर पाया। चौथा, किसानों का कारवां एक शहर में तब्दील हुआ। और पांचवा, किसान आंदोलन को भटकाने के लिए अभी और क्या क्या होगा। रवीश अक्सर अपने प्राइम टाइम में जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं और अहम जानकारियां भी जनता के साथ साझा करते हैं। इस बार उन्होंने अपने प्राइम टाइम में ये दिखाया कि किसानों ने अपना अखबार निकाला है और इसके बारे में अधिक जानकारी भी दी। आज का दिन गोदी मीडिया के लिए गौरव का दिन है। वैसे तो गोदी मीडिया के लिए हर दिन गौरव का होता है, लेकिन आज अपने ऊपर विशेष अभिमान कर सकता है कि उसके फैलाए प्रोपेगेंडा ने किसानों को अपना अखबार निकालने पर मजबूर कर दिया। किसानों ने वही किया जो आने वाले दिनों में सभी को करना पड़ेगा, आपको भी। जब भी किसी को अपनी मांगे लेकर सरकार के पास आना होगा, उसे अपना अखबार भी निकालना होगा। ट्रैक्टर की ट्रॉली से निकालकर अपने हाथ में जिस अखबार को ये किसान थाम रहे हैं, उसका नाम ट्रॉली टाइम्स है। किसान आंदोलन के बीच एक अखबार इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को आंदोलन के बारे में सही जानकारी दी जा सके। आज ट्रॉली टाइम्स का पहला दिन था। सुबह 2000 प्रतियां किसानों के बीच मुफ्त बांटी गयी। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, आंदोलनकारी किसानों से सीधे बात क्यों नहीं करती सरकार। दूसरा, बंगाल में क्यों बिखर रहा है ममता का कुनबा। तीसरा, अपने दम पर किसानों को मना लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चौथा, सरकार और किसानों में समझौता कराएगी सुप्रीम कोर्ट। और पांचवा, क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा किसानों का समाधान। संदीप ने भी देश में चल रहे मुद्दे किसान आंदोलन पर बात की और इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं से सवाल भी किए। प्रकाश, ये क्या आप किसान आंदोलन में फूट डाल रहे हैं ये कहकर बहुत सारे किसान संगठन खुश हैं, तो मतलब ये मुट्ठी भर किसान है। सरकार का ये मानना है ये मुट्ठी भर किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, देखिए संदीप जी, किसान किसान में भेद करना, नागरिकों में भेद करना, ये हमारा स्वभाव और संस्कार नहीं है। ये किसका स्वभाव और संस्कार है भली भांति जानते हैं। चिट्ठी में लिख रहे हैं ना, लेकिन इन कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ किसान संगठनों में इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। मतलब ये भ्रमित किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ये सर्टिफिकेट देने वाले हम थोड़ी ना होते हैं। अरे ये नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी है। चाहता हूँ कि इस पूरे आंदोलन के, हाँ नहीं नहीं, मेरी बात सर पूरी सुन लीजिए आप। हाँ। कल कैबिनेट ने एक 3500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, उससे पूरे देश में 5 करोड़ गन्ना किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। तो आपने होमवर्क पूरा नहीं किया। वो दलित किसान नहीं है क्या गुरु? थोड़ा होमवर्क पूरा करके आते। 3500 करोड़ रुपए देकर कोई एहसान नहीं किया है सरकार ने। एक मिनट सुन लीजिए, फिर बताइएगा मैं गलत कह रहा हूँ तो। अब बात करेंगे गोदी मीडिया की कुछ पत्रकारों की। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णब गोस्वामी की और जानेंगे उनके लिए कौन से मुद्दे जरूरी रहे। पहला, ममता की साख की लड़ाई, बीजेपी की बंगाल चढ़ाई। दूसरा, ममता को सता रहा है हार का डर। तीसरा, 21 दिन से घमासान, कब समाधान। चौथा, किसानों का कंधा, विपक्ष की बंदूक। और पांचवा, किसानों के संघर्ष में किसकी साजिश। वैसे तो अर्णब ने अपने डिबेट में काफी मुद्दे उठाते हैं, पर अर्णब ने भी इस हफ्ते किसानों के मुद्दे पर चर्चा की है। देखते हैं वे क्या कहते हैं किसानों को लेकर। देशवासियों, किसानों की लड़ाई में अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि अब किसानों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। अब उन लोगों के मंसूबे पर पानी फिरने वाला है, और जो लोग थे जो किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैला रहे थे, दोस्तों उनकी दुकान बंद कर दे हंगाम। रिपब्लिक भारत ने उनकी दुकान बंद कर दी, आप भी उनका दुकान बंद कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी उनका दुकान बंद कर देगी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये माओवाद जो मौका परस्त मौका देखकर किसानों के आंदोलन में घुस आए थे, अब उन्हें बाहर निकाल फेंकने की तैयारी हो गई है दोस्तों, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने
इस मुद्दे में दखल दे दिया है। अब बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार रमेश देवगन की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, 23 दिनों का भ्रम 45 मिनट में खत्म, प्रधानमंत्री मोदी का संवाद अब होगा समाधान। दूसरा, अपने बिगाड़ेंगे दीदी का खेल, दीदी पर भारी बीजेपी की तैयारी। तीसरा, किसान आंदोलन का सुप्रीम समाधान, चौपाल से टूटेगा भरम जाल। चौथा, आंदोलन के नाम पर अर्थव्यवस्था ताक पर, किसानों के नाम पर सियासी खेती क्यों। और पांचवा, किसान आंदोलन की आड़, मोदी विरोधी की चाल, किसान आंदोलन हाईजैक। अमीश ने अपने डिबेट में इस हफ्ते किसानों से जुड़े मुद्दे को उठाया और सवाल भी किए। आइए देखते हैं कि वह बीजेपी नेता से इस पर कैसे सवाल कर रहे हैं। भाटिया, क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने आज एक प्रयास करा संवाद को आगे बढ़ाने का, भ्रम जाल को तोड़ने का, क्या आपको लगता है उससे हो पाएगा? क्योंकि विपक्ष लामबंद है, उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया है, अब इसको बुनाओ, इसको इतना खींचो कि बीजेपी की हालत खराब हो जाए, वापस लेना पड़े कानून। अमित जी, देखिए, आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है। जब जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदारी से देश के किसानों को संबोधित किया है तो आग विपक्ष में लगी है। गौरव भाटिया, मेरे सवाल का, छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए आप। क्या आपको लगता है कि इस समय, ठीक है, आम आदमी पार्टी इसको पॉलिटिकली कैश कर रही है, कांग्रेस इसको पॉलिटिकली कैश कर रही है, लेकिन ये कमी तो आपकी है, अगर 5% किसान भी आपकी बात को सही समझ पा रहा। आपने अब खुद ही देखा कि कौन किन मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। गोदी मीडिया सवाल तो नहीं पूछता, ना ही अधिक जानकारी देता है, पर हम आप तक सही और ज्यादा जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज, प्लीज क्लिक द बेल आइकन।